तुमको हम ये बता देते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब समझो चीजों को, है ना, थोड़ा सा बीच से कर रहे क्या, ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, जैसे कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। जैसे एंगल जानते हो ना, एंगल एंगल को डिग्री में मापा जाता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी तरह से एंगल को रेडियन में भी नापा जाता है। तो जैसे कि लेंथ ही ले लो, लेंथ तो लेंथ है, अगर बताएंगे क्यों होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री सब बताएंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो थोड़ा सा बीच से लेके चल रहे हैं, नहीं तो एकदम हम शुरू से पढ़ाएंगे। तो हम ये बोले कि जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, होता है कि नहीं होता है? तो लेंथ का यूनिट अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों होता है, तो तुम लोग को याद करवाया जाता है ना बाबू कि 1 मीटर बराबर, याद रखो, 100 सेंटीमीटर, कराया जाता है ना, बोला जाता है ना कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, उसी तरह से, सॉरी, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो एक ही चीज को नापने का बहुत सारा यूनिट हो सकता है, इकाई हो सकता है, यूनिट हो सकता है। तो उसी तरह से डिग्री जो एंगल है हमारा, डिग्री कोई भी जो एंगल बनता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, जो भी बनता है, उसको हम लोग डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी नापते हैं, और उनके बीच का रिलेशन हमको याद रखना पड़ेगा। हम बताएंगे कि क्यों होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, लेकिन अभी बस ये इतना समझो कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन को हम लोग पाई सी से भी लिखते हैं, क्योंकि इसे सर्कुलर सिस्टम में नापते हैं। क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, ये सब चीजें जानेंगे, या केवल पाई, केवल पाई बराबर भी 180 डिग्री लिखा जाता है। मतलब ये समझना है कि पाई जो होता है, जिसका वैल्यू कि 22/7 होता है, लगभग, एक्चुअल नहीं होता है, पाई इरेशनल नंबर है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, याद रखना, पाई इरेशनल नहीं होता है। पाई का लगभग वैल्यू 3.14 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन। अब अगर तुम सोचो कि पाई बराबर अगर 180 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये इसको हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं और पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, पाई रेडियन बोल सकते हैं ना। अब जरा हमें बताओ, अब जरा हमें बताओ कि केवल इतना डिग्री पूछे तब 90 डिग्री को रेडियन में, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करो, तो ये 90 डिग्री इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा ना, हाफ होगा, सिंपल सी बात है, हाफ होगा, क्योंकि 180 का आधा करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड किया जाता है सेम नंबर से, सेम नंबर से। आप यदि बराबर है इक्वेशन, यानी कि ये पाई बाई टू होगा, सही है, बढ़िया है। सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, चलो देखो। तो पाई बाई टू का मतलब सीख गए कि पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। अब पाई बाई टू का मतलब अगर 90 डिग्री है, तो अगर हम तुमसे पूछें कि क्या तुम पाई बाई टू का वैल्यू याद रख सकते हो 90 डिग्री, अगर याद रख सकते हो तो हम बोलेंगे कि 3 पाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा, तो 3 लिख देना और गुने पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बाबू ये बताओ कि ये पूरा एंगल अगर नापे, मतलब इस लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल केवल, और कौन सा एंगल, तो इधर वाला, तो ये क्या डिग्री होगा, 270। तो 90 90 90, ये भी 90, वे भी 90 90, यानी कि 3 गो 90 डिग्री। 3 गो 90 डिग्री लिखने का मतलब 3 पाई बाई टू लिखना, 3 पाई बाई टू, 3 गो 90 डिग्री लिख ले रहा है, 3 इंटू पाई बाई टू,
ये समझ में आया ना। फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा एंगल ना पा जाए, मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है तुम्हारा, इस पर पूरी तरह से एक बार घूम दिया जाए तो ये क्या डिग्री होगा? पक्का 360 होगा। 360 को रेडियन में बताओ, रेडियन में कितना होगा? 4, 5, 5, 5, 5, 5. नहीं नहीं दो तरीका से बोल सकते हो। एक बोल सकते हो कि सर चार को पाई बाई टू घूमेंगे, फोर पाई बाई टू, यही ना बोल रहे हो? तो फोर पाई बाई टू का वैल्यू ना आ जाएगा टू पाई। यहां से भी देख सकते हो कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो ये पाई है तो इतना और घूमे हो तो ये पाई और ये भी पाई मिलके दो पाई हो जाएगा ना। तो ये इस तरह भी याद रख सकते हो, मतलब तुमको जिस तरह से बेटर पड़े उस तरह से तुम याद कर सकते हो। अब जरा हमें बताओ कि देखो, तुम लोग क्लास टेंथ तक जब पढ़े थे तो जो एंगल रहता था 360 डिग्री तक ही रहता था, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लास इलेवेंथ में जब हम एंट्री करते हैं तो ये क्या होता है कि आप जो है, अगर ये लाइन लिए, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अब यहाँ से घूमना शुरू किए, एंगल का डेफिनेशन भी समझ लो, जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी ताकि चीज़ों को तुम समझ पाओ, बेसिक है ये सब चीज़ें। ये जो रे है, मान लो कि इस रे को मान लिए ओ एक्स, इस ओ एक्स रे को घुमाओ तो ओ एक्स रे को यहाँ के लेके आए 90 डिग्री बना, इसी ओ एक्स को यहाँ लाए 180 बना, फिर यहाँ घुमा के यहाँ पे लेके आ जाए, इस तरह से तीन को पाई बाई टू हुआ, फिर इसी पे लेके आ गए, फिर इसी पे लेके आ गए टू पाई हुआ, आए ना। वापिस से मतलब इतना घूमने के बाद फिर एक बार घूम जाए तो भैया टू पाई में और कितना घूमना पड़ेगा हमें, टू पाई में और कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, पाई बाई टू जोड़ना पड़ेगा ना। अरे भैया ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था आपका, टू पाई था, यहां के बाद और 90 डिग्री घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, यानी कि ये टू पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, यानी कि दो दुना के एलसीएम लोगे, दो दुना के चार और एक पांच, पाई बाई टू होगा। अगर हम पूछें कि अगर आपको जो घूमना है वो इतना नहीं बल्कि इतना घूमना है, तो एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना माना जाएगा? 3 पाई होगा। काहे 3 पाई होगा, देखो इस तरह से सोचो कि एक बार जब घूमते हैं तो पाई होता है, तो फिर एक बार घूमेंगे तो फिर एक पाई होगा, फिर एक बार घूमेंगे तो एक और पाई होगा, मतलब 3 पाई, मतलब क्या डिग्री, 3 × 180 डिग्री, मतलब 18 × 54 540 डिग्री। ये भी याद रखना कि 3 पाई का वैल्यू हमारा 340 डिग्री होता है, समझ गए? याद रहेगा। अब यदि तुमको इस तरह से दिया रहेगा 17 पाई बाई 2 दिया रहेगा, मान के चलो सही है ना, 17 पाई बाई 2 दिया रहेगा, इसमें हम बोलेंगे कि कितना बार पूरी तरह से रोटेट किए होंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट रहा है, कट तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी 2 × 8 = 16, मतलब इसको हम 8 पाई अब प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 8 = 16 हुआ 8 पाई प्लस पाई बाई 2। अब 1, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा ही, 8 × 16 और 1 = 17 पाई बाई 2, समझ में आया? इसका ये मतलब हुआ कि 8 पाई बाई 2 का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमको एक बार, दो बार 2 पाई हुआ, फिर ये 4 पाई हुआ, ये फिर 6
पाई हुआ, 6 पाई के बाद 8 पाई हुआ, 8 पाई के बाद फिर से जब इतना केवल घूमेंगे यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा 17π/2। देख लो, एक बार से घूमे तो 4 पाई हुआ, क्योंकि दो पाई हुआ, और 2 पाई के बाद फिर 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई के बाद फिर 6 पाई, 6 पाई के बाद फिर 8 पाई, और फिर π/2। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई, तो अब जो है तुम इस तरह से वैल्यूज रहेगा तो उसको कन्वर्ट करने तो सीख ही गए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, अब महत्वपूर्ण बातें सीखो जो एक्चुअल में होती है। ये तो बस बेसिक था, एक्चुअल में जो बातें होती है उसको सीखो। जैसे जैसे तुम हमें बताओ कि तुम पहले से बचपन से, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा चलो ये बता लो, ये पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री याद रहेगा ना, फिर π/2 का वैल्यू बोलेंगे तो कहोगे ना 90 डिग्री। अब π/2 अगर हम 6 कर दे तब, तो तुम सोचना, सुनो सोचना कि ये पाई अगर 180 है तो पाई में कौन से डिवाइड हुआ है, तो इधर भी 6 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, तो कर लेते हैं ना, कितना होगा, हो गया याद रहेगा। फिर अगर π/3 हो तो क्या सोचोगे कि ये पाई अगर 180 है तो 3 से डिवाइड हुआ है, तो इधर मतलब 60 डिग्री को तुम π/3 भी बोलोगे, 30 डिग्री को तुम π/6 भी बोलोगे, मतलब π/6 का मतलब 30 डिग्री दुनिया में हर व्यक्ति समझता है। अब मान लो कोई π/4 कर दे तब, पैंतालीस डिग्री होगा, काट के देख लो 180 में बटे 4 करके। या फिर ऐसे याद रखो कि π/2 का डिग्री है, अब π/2 का और आधा करेंगे तो π/4 आएगा कि नहीं, तो जब 90 डिग्री का आधा करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत? अब कोई बोलेगा कि 2π/3 का मतलब बताओ, तो π/3 हम याद रखे रहेंगे क्या डिग्री, 60, और 60 में 2 का गुना करोगे 120 डिग्री। अब हम बोलेंगे 2π/6 तो कोई बोलेगा ही नहीं, 2π/6 कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो π/3 आ जाएगा, और π/3 का मतलब पाई में 3 से डिवाइड करना, यानी कि 60 डिग्री। ये समझ में आया? चलिए, तो अगर ये सब चीजें अगर आपको समझ में आती है तो चलिए अब इसके आगे वाली बात को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मिटाएंगे। हाँ बिहार से ही है हम, बिहार से ही हैं, बिहार वाले ही मैथ के टीचर बनते हैं। अब देखो यहाँ से, पहले जब तुम क्लास 10th में थे तब तुम क्या करते थे, देखो एकदम हम 10th से आए हो इस सोच के पढ़ा रहे हैं, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू तुम क्या याद करते थे, 1/2। तो अगर हम पूछेंगे कि साइन ऑफ 30 डिग्री का मतलब π/6, तो साइन π/6 भी क्या होगा, उसी तरह से एक साइन 60 डिग्री का मतलब हुआ π/3, क्योंकि पाई का मतलब 180 और 180 बटे 3, यानी कि 3 6 18 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया √3/2। अब अगर हम पूछे साइन π/4, तो साइन π/4 का मतलब हुआ कि 90 डिग्री का आधा, यानी कि 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप याद रखते थे 1/√2।
ये सब चीजें आपको पता है। अब जरा सोचो कि जब प्रूफ करते थे तो साइन 30 डिग्री के लिए तुम एक बनाते थे कौन सा ट्रेंगल, इक्वालेटरल ट्रेंगल, याद है कुछ? ये 90-90 होता था, ये आपका 30 डिग्री 60 डिग्री होता था, ये भी 60 डिग्री, और ये पूरा 60 होता था तो ये 30-30 होता था ना। तो अब इसमें बोलते थे कि ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a होगा क्योंकि इक्वालेटरल ट्रेंगल है। तो इसकी जो हाइट आती थी वो अपना आ जाता था कितना, √3 × a। और उसके बाद आप साइन 60 डिग्री एक राइट एंगल ट्रेंगल में, बस ये याद रखो कि एक राइट एंगल ट्रेंगल में कहते थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 a और हाइपोटेनस का वैल्यू 2a, तो a कट जाता था तो √3/2 चमक जाता था साइन 60 डिग्री वगैरह का वैल्यू। उसी तरह से 30 डिग्री जब निकालना होता था तो 30 डिग्री वाला एंगल के सामने वाला साइड को देखेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिखेंगे, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड ये पूरा 2a है, तो ये तो बीच से आधा कर दिया तो ये a होगा, तो हो गया परपेंडिकुलर का वैल्यू a, और हाइपोटेनस तो भैया 90 डिग्री के सामने होता ही है। तो इस तरह से तुम ये वैल्यू याद किए थे 1/2। तो जो भी चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़े थे वो एक राइट एंगल ट्रेंगल में पढ़े थे ना। 11th क्लास में क्या होता है कि डिग्री बढ़ जाता है। डिग्री बढ़ जाना मतलब सोचना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अगर ट्रेंगल ये मान लो π/3 है, यानी कि 30 डिग्री है, मानो 30 डिग्री है, कोई दिक्कत है? थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये लो, ये 30 डिग्री समझ में आ रहा है ना। अब ये 30 डिग्री है तो तुम एक्चुअल में कितना घूमे हो, केवल यहां से 30 डिग्री ना। तो देखो, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि बेटा तुम एक काम करो, साइन ऑफ 2π अब +π/6 लो, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री का मतलब π/6, क्योंकि पाई का मतलब 180/6, यानी 6 × 18, यानी कि 30 डिग्री। अब हम बोलेंगे कि साइन π/6 का तो भैया तुम वैल्यू याद रखते हो ना, 1/2 याद रखते हो, डायरेक्ट साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब हुआ क्या कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, मतलब कोई भी एंगल हो, 30 डिग्री हो, ये हो गया तुम्हारा 2π का मतलब 360, क्योंकि 1π का मतलब 180, 180 × 2 हो गया, तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 390 डिग्री ना है ये लिखा हुआ साइन के अंदर। मतलब हम तुमसे साइन ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, बस इतना समझो। उसको क्या किया गया कि पाई में कन्वर्ट कर लिए, मतलब कि साइन ऑफ 2π + π/6। तो तुमको क्या करना होता है, एक्चुअल में एक ट्रेंगल बनाना पड़ता है, किसी भी तरह एक ट्रेंगल बनना चाहिए, चाहे कैसे भी घूमो। तो होगा क्या कि जब 30 डिग्री का एंगल ये बना और यहीं से घूम रहे हो तुम, तो यहां से अगर घूमोगे तो जरा सोचो, एक बार पूरी तरह से घूमने के बाद वापस से एक बार पूरी तरह से घूम गए तो 2π घूम गए, बोलो, और फिर और π/3 घूमोगे तब जाके यहां पहुंचोगे। यानी कि 2π + π/3 घूमने के लिए पहले पूरा एक फुल रोटेशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से चलेंगे वापिस से एक्स एक्सिस पे आएंगे तो 2π हुआ, अब फिर π/6 घूम जाएंगे। अब राइट एंगल ट्रेंगल वही वाला है कि दूसरा हो गया, इसीलिए इसका भी वैल्यू वही होगा, मतलब कि इसका भी वैल्यू तुम्हारा 1/2 ही होगा, समझे?
इसलिए 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 हम क्या बोलेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे कि बाबू तुम ये याद रखो कि साइन ऑफ 2π + π/6 इज इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स, मतलब ये 2π को गायब कर दो, इसका भी वैल्यू 1/2 आया और साइन पाई बाई सिक्स का भी वैल्यू 1/2 आया, मतलब कि दोनों का LHS बराबर होगा ना, तो दोनों का LHS क्या है, ये साइन 2π + π/6 है, ये साइन पाई बाई सिक्स है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इसको ऐसे याद रखो ना कि अगर 2π हुआ तो 2π को हम गायब कर सकते हैं, साइन 2π + π/6 बराबर साइन पाई बाई सिक्स, कोई दिक्कत है समझने में, मतलब कि मतलब ये कि साइन ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू हम क्या सीख गए, 1/2। कोई भी पूछेगा तुमसे कि साइन ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो देखने में नहीं लग रहा कि कैसे बताएं, तीस डिग्री थोड़ी है कि साइन 30 डिग्री 1/2 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस 390 डिग्री को तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अभी हम डायरेक्टली तुमको रेडियन में ही बता रहे हैं, मतलब ये रेडियन में ही देके बता रहे हैं, अभी हमको सीखना है कन्वर्ट करने डिग्री को रेडियन में, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 2 मिनट में सीख जाएंगे। अब सुनो हमारी बात, और अगर तुमसे हम और भी चीज़ें पूछें, जैसे कि ये पूछे तब तो बोले कि भैया वही होगा, अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ पे लिख दे साइन और यहाँ पे लिख दे 4π और फिर +π/6 कर दे, अब इसका वैल्यू पूछे कि क्या होगा, तो क्या इसका भी वैल्यू साइन पाई बाई सिक्स ही होगा? कुछ लोग को तो चमक गया होगा कि नहीं यही होगा सर, कुछ लोगों को नहीं चमका होगा, जिन लोगों को नहीं चमका वो फिर से देखो होगा क्या, होगा क्या एक्चुअल में कि आप जो है 4π घूमने के लिए, एक बात तो तय है कि पाई बाई सिक्स तो 30 डिग्री के लिए जो एक ट्रेंगल बन गया वो बन गया, ये 30 डिग्री अगर है तो ये पाई बाई सिक्स होगा। अब जरा सोचो कि यहां से जब घूमना शुरू करेंगे तो अगर एक बार घूमे तो एक गो पाई हुआ, एक बार इधर घूम गए तो एक और पाई हुआ, 2π हुआ, अब बोलो 2π के बाद एक और घूम गए 3π हुआ, और 3π के बाद एक और घूम गए 4π हुआ, और 4π में अगर हम फिर π/6 जोड़ दें तो क्या हम अपनी यात्रा 4π + π/6 पर कर लेंगे कि नहीं? तो जरा सोचो कि ट्रेंगल वही राइट एंगल वाला बना कि दूसरा बना, मतलब फिर वही ट्रेंगल में साइन 30 डिग्री बताना है, मतलब हम सिंपल साइन पाई बाई सिक्स का ही वैल्यू बताएंगे, मतलब ये हुआ कि ये 4π को गायब कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये 4π गायब हो गया? अब तो तुम समझ गए होगे कि साइन अगर हम 6π + π/6 भी लिखें वो भी साइन पाई बाई सिक्स के ही बराबर होगा, और साइन पाई बाई सिक्स तो हमको मालूम है कि साइन 30 डिग्री होता है, और साइन 30 डिग्री भैया वैल्यू हमको मालूम है 1/2 होता है। आ रहा है समझ में या फिर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब जरा बताओ क्या बताओगे? अब जरा बताओ, बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां का जगह को तुम 2π बोले थे ना, और यहां के जगह को तुम पाई बोले थे, याद करो पाई बोले थे, एक बार घूम गए 2π हुआ, इसी जगह को हम लोग 4π भी तो बोल रहे हैं, इसी जगह को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसी जगह को 6π भी बोल रहे हैं, अच्छा यही तो चाहते थे कि तुम बोलो, मतलब 2nπ, मतलब कि
क्लास टेंथ में तुमको नहीं बताया गया था कि 2n जो होता है वो इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है पहला चैप्टर रियल नंबर में? वही चीज है, 2n जो होता है वो इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है और 2n प्लस 1 ऑड नंबर का, क्योंकि n का वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर डालोगे तो वो 2 से गुना होने के बाद, जैसे 10 ही डाले तो 10 दूना 20 और 1 जोड़ दोगे तो 11, n का वैल्यू 15 ही डाले तो 15 दूना 30 और 1 जोड़ दिए 31, ऑड नंबर, क्या समझे? समझ रहे ना बात को? तो इसका मतलब क्या हम लोग एक फार्मूला नहीं बोल सकते हैं कि साइन 2n पाई अब प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू साइन पाई बाई 6 होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि साइन ऑफ 2n पाई अब प्लस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगा, जहां पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 होगा तो डायरेक्ट 2 पाई प्लस थीटा, 2 होगा तो 2 दुना 4 पाई प्लस थीटा, 3 होगा 3 दुना 6 पाई प्लस थीटा। इसको नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो समझ ही गए होगे कि साइन ऑफ 1000 पाई प्लस थीटा होगा तो क्या होगा? अगर हम पूछें साइन ऑफ 200, ऐसे लिख दे, चलो 1000 छोड़ो, इतना लिखो अब प्लस पाई बाई 6, इसका वैल्यू क्या होगा? क्या ये वैल्यू भी साइन पाई बाई 6 होगा? और यहाँ पे अगर हम मतलब साइन के आर्गुमेंट में ऐसे कर दें, ऐसे 2 पाई है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 वैल्यू क्या वही होगा? 22 पाई लिख देता। अब अगर हम साइन 22 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दे तब भी वही होगा? अगर हम यहाँ पे जीरो कर दे 220 पाई तब भी वही होगा? अगर 8 कर दे तो भी वही होगा? बस ये समझ गया कि इवन होगा तो होगा। अब क्वेश्चन ये एराइज हुआ कि सर ऑड होगा तब क्या होगा? यही क्वेश्चन एराइज हुआ ना कि अगर ऑड हो जाएगा तब क्या होगा, तो उसके लिए अब हम सीखेंगे, ठीक है? ऑड वाला के लिए, केवल साइन के लिए ही नहीं, ये फॉर्मूला केवल साइन के लिए ही वैलिड है क्या? कॉस रहेगा तो नहीं होगा? कॉस होगा तो कॉस होगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अगर मान लो तुम लिखते हो, कॉस 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 रूट अंडर 3/2, तो कॉस वाला एंगल लेके अगर उसी ट्रेंगल में आ रहे हो 2 पाई घूमने के बाद चाहे 10 पाई घूमने के बाद, तो वैल्यू तो भैया कॉस पाई बाई 6 के वैल्यू के बराबर ही ना होगा? उसी तरह से टेन में, उसी तरह से कॉट में, उसी तरह से सेक में, उसी तरह से कॉस एक में, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे ऑड वाला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत मत लिखो, बहुत लिखो ज्यादा मजा आता है।